बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों, सुनते कानों, अरफान अमजद का अस्सलाम अलैकुम। सब तारीफ़ें उस अल्लाह की जो दिलों के भेद जानता है। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त हरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी गंदम की फसल तो अल्लाह के फजल व करम से घर पहुँच गई है, लेकिन रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो लोगों की, काफ़ी ज़्यादा लोगों की फसल अभी खेतों में ही है। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो इन लोगों को भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, इसमें पता नहीं कितनी इनके लिए भलाई हो। तो अल्लाह ताला सब पे अपना करम फरमाए, अल्लाह ताला सब पे अपना फजल फरमाए। तो अल्लाह ताला सब्र करने वालों में हमें रखे। हमारे जो गंदम के दाने आए हैं उसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा आई है, क्योंकि बारिशें पहले भी हुई हैं, इसकी वजह से गंदम की फसल में मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, तो वो दानों में आ गई। अब हम उस दानों को लेके जाएंगे मशीन पे और मशीन वालों से बोलेंगे ये मिट्टी निकालेंगे वो। तो आए दिखाते हैं आपको कैसे मिट्टी निकलनी है उनमें से और दाने साफ़ हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज मौसम बहुत खूबसूरत है, बादल भी हैं क्योंकि रात को बारिश हुई है, अभी तक धूप नहीं निकली। तो आप लोगों को दिखाते हैं आज का काम, और हमारे साथ रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ में लगे बेल के आइकन को भी दबा दें। ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सेब है, तो अब इनको लेके जाएंगे, तो जाके मशीन से ये मिट्टी निकलवा के लाएंगे। तो मेरे साथ रहिएगा, आपको दिखाता हूँ ये कैसे होना है, कितनी मेहनत का काम है, और फिर जाके ये एक साल के लिए गंदम इकट्ठी होगी, जो सारा साल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम खाएंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ने ये नेमत हमें वाफर मकदार में दी। ये है गंदम, गंदम में आ गई है मिट्टी, तो ये मिट्टी निकलवाने लेके जाना है अब मशीन पे। ये देखें बहुत ज़्यादा मिट्टी है, ये बारिशों की वजह से इतनी ज़्यादा मिट्टी आ गई है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह गंदम ठीक है, तो ये निकलवाएँगे, तो फिर जाके आपको दिखाएंगे कि कैसे निकलनी है। Thank you.
अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया काम, ये सारी गंदा, ये अवैस साहब है, अवैस साहब जवान हो गए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया ये काम, अब हम इसे घर ले जाएंगे और इसको वॉश करेंगे एक दफा। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये घर पहुंच गए हैं लेके गंदम, अब ये ऊपर लेके जा रहे हैं भाई, तो छत पे रखेंगे इसको। जी तो दोस्तों कैसा लगा आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आज बहुत थकावट हो गई है, तो अभी इफ्तारी की है, तो अब मैं चेंज करके तो इशा की नमाज पढ़ के सो जाऊँगा। तो अब इजाज़त दीजिए इरफान अमजद को, अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।